नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक देखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कॉपर रोटर एंड एल्यूमिनियम रोटर के बीच का डिफरेंट, कि कैसे आप पहचानते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि रोटर एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है। मुझे काफ़ी सारे दिनों से काफ़ी सारे कमेंट मिले इस पे कि सर ये पहचान करना बताओ, तो सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपको ला कर दूँ, बना के दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रोटर जो होता है वो पत्तियों से मिलकर बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप जो रोटर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको रोटर बोलते हैं। इसके अंदर का जो ये हिस्सा है, ये सापट है, और यहाँ पे बैरिंग सेट है, कार्बन बैरिंग का है जो घिसा हुआ है, ये वाला कार्बन बैरिंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हिस्सा जो है वो रोटर है। इसमें आप एक यहाँ पे एक निशान देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर पत्तियाँ हैं जो कि लाइन से लगी हुई है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में लगा होता है। ये गोल पत्तियां होती हैं, गोल पत्तियां होती है, इसको स्टम्पिंग बोलते हैं, इन पत्तियों को स्टम्पिंग बोलते हैं। ये अलग अलग एमएम के हिसाब से होती है, साइज के हिसाब से होती है, और इन्हीं पत्तियों के अंदर स्लॉट्स होते हैं। इन पत्तियों को मैं एक छोटे रोटर में दिखाऊंगा। यहाँ पर रोटर आपको पाड़ के काट के दिखाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे ये वाला दिखा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे आप ये छेद देख रहे हैं, ये होते हैं स्लॉट। कुछ इसी तरह के स्लॉट इस रोटर के अंदर भी हैं, ठीक है, इस रोटर के अंदर भी पार से पार हैं इसी तरह से। और यहाँ पे ये छोटा रोटर है, इसके अंदर देखिए ये वाले स्लॉट हैं जो कि खाली छोड़ रखे हैं। और जो आप ये वाली जो आप लेमिनेशन देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम लेमिनेशन देख रहे हैं, इसके अंदर भी इसी तरह से स्लॉट हैं। तो उन स्लॉटों के अंदर यहाँ पे एल्यूमिनियम भर दिया गया है, ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे भर दिया गया है। तो ये आप परत देख रहे हैं, इसको लेमिनेशन बोलते हैं, जो कि एल्यूमिनियम से बनी हुई है। बाकी जो पत्तियां होती हैं वो लोहे की होती हैं, इस रोटर में भी लोहे की होती हैं, सभी रोटरों में लोहे की पत्तियां होती है, जिसको स्टैंपिंग बोला जाता है, ठीक है। और ये जो परत होती है जो स्टैंपिंग को रोकती है, इसके अंदर जो स्लॉट होते हैं उसमें स्लॉट के अंदर रॉड डाली जाती है लाइन से, जैसे एक स्लॉट यहाँ है, एक स्लॉट यहाँ है, एक स्लॉट यहाँ, ऐसे इसमें रॉड डाली जाती है। फिर उस रॉड को रोकने के लिए यहाँ पे लेमिनेशन ये किया जाता है। तो जो रॉड है ये स्टैंपिंग को रोक, पत्तियों को रोक के रखती है, और फिर रॉडों को रोकने के लिए यहाँ पे लेमिनेशन किया जाता है, तब एक रोटर हमारा तैयार होता है, उसके अंदर फिर ये रॉड डाली जाती है लोहे की। तो सेम टू सेम जैसा कि इस रोटर में मैंने बताया, इस रोटर में भी वही है। अब पता कैसे करें कि भाई रोटर जो है वो एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है बाहर से ही? तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर रोटर को आप ऊपर से देखेंगे तो ये लोहे का है, क्योंकि जो स्टम्पिंग पत्तियां हैं ये लोहे की होती है। इसके अंदर का कैसे पता करें? तो आपको एक ही चीज देखना है, अगर रोटर के अंदर जो लेमिनेशन है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है तो रोटर एल्यूमिनियम का बोला जाएगा, अगर कॉपर से ये बना हुआ है तो रोटर कॉपर का बोला जाएगा। तो इसी तरह सेम टू सेम समर्सिबल के अंदर होता है। तो स्टैंपिंग, ये अंदर की जो पत्तियां हैं इसके अंदर रोड डाली जाती हैं। अगर ये रोटर अब मेरे पास जो है वो कॉपर का है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको एल्यूमिनियम के बारे में भी समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको घिस देता हूँ, देखिए इसको लेमिनेशन को, ये मैंने लेमिनेशन को घिस दिया है, और यहाँ पे स्टैंपिंग को घिस दिया है, पत्तियों को घिस दिया है। तो इस साइड आप देखेंगे कि ये लोहे की पत्तियां हैं जो कि सभी रोटरों में होती हैं सेम तरीके से, और ये आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वो रेड आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर का कलर है। अगर यह रोटर एल्यूमिनियम का होता तो यहाँ पे ये वाइट होता, ठीक है। जो कॉपर का रोटर होता है उसमें होता क्या है, मैंने बताया कि इस तरह के खांचे होते हैं स्टैंपिंग के अंदर, इन स्टैंपिंग के अंदर खांचे हैं, उन खांचों के अंदर अगर रोटर हमको, ये जो रोटर होता है बड़ी मोटर का, उसके अंदर क्या होता है कि
स्टैंपिंग इन पत्तियों को डांटने के लिए एक रोड डाली जाती है। एक रोड ऐसे डाल दी है, फिर अगली ऐसे डाल दी है, ऐसे लाइन से रोड डाली जाती है। तो वो जो रोड डाली जाती है वो कॉपर की होती है, और उन कॉपर की रोड के बाद फिर यहाँ पे एक लेमिनेशन यहाँ होता है, कॉपर का ही लेमिनेशन होता है, और फिर उसको वेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसको शेप दे दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं कॉपर का रोटर, इसके अंदर पत्तियां भी कॉपर की और जो लेमिनेशन भी कॉपर का होता है, सॉरी पत्तियां नहीं, पत्तियां लोहे की, अंदर की जो रोड डाली गई है, जो स्टिक डाली गई है, सीख जैसा कुछ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा रोटर को, कई बार पाड़ते हैं तो उसको तब आपको दिखाऊंगा। तो ये होता है कॉपर का रोटर। कॉपर के रोटर में सीधी की सीधी रोड डाली जाती है स्लोट के अंदर, इन पत्तियों की स्लोट के अंदर, और फिर यहां से लेमिनेशन कर दिया जाता है, उसका लेमिनेशन केस को डाल के उसको वेल्ड कर दिया जाता है। तो ये पहचान है, आप यहां से लेमिनेशन को घिस के देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। और जो एल्यूमिनियम का रोटर होता है इस तरह का, तो उसमें होता क्या है कि उसमें रोड नहीं डाली जाती, जो मैंने बताया कि इसमें कॉपर की रोड है, तो उसमें कॉपर की रोड नहीं डाली जाती। उसमें करते क्या है, एक साइड से पहले तो उसको बंद करते हैं और इन पत्तियों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, इन पत्तियों को लाइन से सीधा रखते हैं, और एल्यूमिनियम को पिंगाल के, इसमें तो रोड डाली गई, उसमें एल्यूमिनियम को पिंगाल के भर दिया जाता है, और फिर सूखने के बाद वो बिल्कुल सेट वहीं की वहीं हो जाता है, ठीक है। और फिर उस पर इस साइड भी लेमिनेशन कर देते हैं एल्यूमिनियम का ही, और इस साइड भी लेमिनेशन हो जाता है। तो दोनों साइड, तो इसको बाहर से हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हिस्सा जो ऊपर है ये लोहे की पत्तियां, यहाँ से हम देख नहीं सकते, आपको लेमिनेशन आपको यहाँ से देखना पड़ता है। लेमिनेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये कॉपर का है या एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे मेरे पास एक रोटर है, इसका आप देख सकते हैं, इस लेमिनेशन को घिस के आप पता कर सकते हैं कि किसका ये रोटर है। तो इसको आप आराम से घिस के देख सकते हैं, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि किस चीज का ये रोटर बना है, क्या चीज इसके अंदर भरी गई है। तो जितने भी रोटर होते हैं सभी का आप पता कर सकते हैं दोस्तों, सेम तरीके से पता कर सकते हैं। अब भी आपको कोई डाउट है, आप रोटर को देखना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के पीछे कुछ इमेजेस लगा दूंगा और बता दूंगा कि ये कॉपर का रोटर है, ये एल्यूमिनियम का रोटर है। तो अगर आज की वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलो अब आपको इमेजेस मैं दिखाता हूँ। दोस्तों जो मैं रोटर दिखा रहा हूँ ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है, अब ये भी एल्यूमिनियम का रोटर है, इसका जो लेमिनेशन एल्यूमिनियम से बना है, ये भी एल्यूमिनियम रोटर है, और इसको भी आप देख सकते हैं, इसका भी लेमिनेशन एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम रोटर है, इसका कॉपर से बना हुआ है, कॉपर रोटर है, ये वाला भी कॉपर रोटर है, कॉपर से बना हुआ है इसका भी, ये वाला भी एक कॉपर रोटर है, ये रोटर भी कॉपर रोटर है, ये वाला भी कॉपर है, ये रोटर भी कॉपर रोटर है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं, और ये रोटर्स हैं एल्यूमिनियम रोटर हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।